सोन बी का ये मुकाबला तमिल थलाईवास वर्सेस पटना पायरेट्स. पटना पायरेट्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. तमिल थलाईवास प्ले ऑफ की दौड़ की बची खुची संभावनाओं को बनाए रखने की कोशिश करने के लिए इस मुकाबले को जीतने का प्रयास करेंगे. अजय ने दो मैचेस ज्यादा खेले हैं प्रदीप से, लेकिन निश्चित तौर पर रेडनर की टीम का लगातार परचम लहराते हुए जयदीप को बाहर जाना पड़ेगा. पटना के नंबर एक डिफेंडर हैं जयदीप, लेकिन पिछले दो मैचेस में बड़ा फीका खेले हैं. वो फीकी फॉर्म आज भी जारी है. अजय बोनस करना चाहते थे इंड के सामने से, जयदीप एंकल के लिए गए, बात बनी नहीं. ये देखना दिलचस्प होगा. सुरजीत नरवाल इस समय रेड पर डाइव किया, वक्त मिला, डिफेंस का सपोर्ट आया, सुरजीत का काम हो गया. ठीक है, वो रेडिंग के लिए आया तो कहीं ना कहीं ये सोच के आया था कि मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, पांच का डिफेंस है हमारा, हम पांच के उसमें खेल लेंगे. लॉबी के बिल्कुल नजदीक से निकले, डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन जाल लेकर के मछुआरे पहले से तैनात थे. प्रदीप नरवाल को अब तक एक ही पॉइंट मिला है और मंजीत फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर पर है, क्योंकि सेंटर में इकलौता खिलाड़ी उन्होंने छोड़ा है. ये दूसरा पॉइंट प्रदीप नरवाल का. लेफ्ट रेडर आया तो मंजीत छिल्लर लेफ्ट कवर आ गए. मंजीत छिल्लर का शानदार ब्लॉक और मंजीत भी अब तक आउट हुए नहीं है मैच में. ये पांचवा पॉइंट बिल्कुल मिलना चाहिए. सुब्रमण्यम आउट. दो डाई रेड है, हुटर की आवाज आपने सुन ली है. लगातार दो रेड में किसी टीम को पॉइंट नहीं मिले तो तीसरी रेड होती है डू और डाई. बोनस ऑन है, बोनस की ट्राई की, डैश किए, ट्राई थी ओकियोंग, विकास काले, दोनों कवर्स की जोड़ी ने डैश किया, लेकिन बोनस थम्स अप का इशारा अंपायर का, बोनस मिल जाएगा सुकेश को. सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर आए हैं, मेन रेडर को अंदर भेजा है. तमिल थलाईवास को ऑल आउट से बचना है. तमिल थलाईवास ऑल आउट के करीब, विजय मलिक का शानदार एंकल होल्ड. ये डू और डाई रेड है मंजीत के लिए. अब डिफेंस किस तरह से बिहेव करता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा और इससे ये मुकाबला भी तय हो सकता है. 14 मैचों में से 11 सुपर 10 लगा चुके हैं प्रदीप नरवाल. पिछले 5 मिनट में 8 पॉइंट्स प्रदीप नरवाल. ओहो, अजय ने कमाल कर दिया, 2 पॉइंट लेकर के आ गए. अजय और प्रदीप के बीच के इस मुकाबले में एक बार फिर अजय भारी पड़ते हुए 2 पॉइंट्स की लीड. पहले प्रदीप 2 पॉइंट लाए, फिर अजय 2 पॉइंट लाए. ये मुकाबला शुरू से ही हम बता रहे थे अजय और प्रदीप के बीच में है. ये अब मुश्किल के क्षण, आखिरी 20 सेकंड इस मुकाबले की तकदीर को तय करने वाले हैं. डिफेंस को देखिए कितने लिमिटेड जोन में खेलने का मौका दे रहे हैं प्रदीप को. प्रदीप ने टच किया मंजीत छिल्लर को. दो जाबाजों की लड़ाई में प्रदीप ने बाजी उस समय मारी जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी. एक रेड अभी बाकी है. ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या बीच में ही खड़ा रहेगा. 35-35 की बराबरी. अजय ठाकुर मैच गंवाना नहीं चाहते, लेकिन अगर व्हाइट लाइन वॉक लाइन को क्रॉस नहीं किया तो एक पॉइंट पटना को मिलेगा. वो कर लिया. अब क्या पटना इन पर अटैक करेंगे या अजय पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल नहीं, वक्त खत्म हो चुका है. इस मुकाबले को टाई पर खत्म होना पड़ा है. ये नवा टाई है सीजन 6 का. ये बताता है कि कितने रोमांचक मुकाबले हुए हैं एक के बाद एक.